नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते वीर कृष्ण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामी इति नामिने। तो मैं अपने प्रभु जी आचार्य कृष्णदास प्रभु और जितने भक्त न्यूजीलैंड से आए हुए हैं और लोटोका से आए हैं और मंदिर के जो कार्यकर्ता कमेटी है उनकी तरफ से मैं आप सभी को एक बार फिर आज के कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूँ। और आप तीन दिनों से जो सहयोग देते आ रहे हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और हालांकि कुछ ऐसे बहुत बिजी समय है अभी, जबकि कई लोगों के घर पर शादियाँ हैं और फंक्शन से, तो लेकिन फिर भी आप अपने समय को निकाल कर आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रभु आचार्य कृष्णा हमारे हरे कृष्णा के एक बहुत ही सीनियर डिवोटी है और राधा गोविंद महाराज राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, जो स्वामी प्रभुपाद जी का शिष्य है। स्वामी प्रभुपाद जी हमारे हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट। स्वामी प्रभुपाद का शिष्य के शिष्य प्रभु जी हैं और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को दे दिए हैं, भगवान के कृष्ण सेवा में, प्रचार में और भागवत भक्ति में उन्होंने दिया है। और आप उसकी प्रचार से ही आप उसके स्वभाव का पहचान कर लेंगे। बहुत ही नम्र भाव और बहुत ही नम्र स्वभाव के प्रभु जी हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा कृपा है। आज शुभ दिन एकादशी के दिन यहाँ पर ये शुभ भगवान का नाम का गुणगान और भागवत कथा आप प्रभु श्री आचार्य कृष्णदास से आप सुनेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। तुम्हें इससे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतु तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आज पुत्रे तन्मे तया तं सर्वभूत हृदय मुनिमान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदकोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलांभुजस्य मलकोमलांगं सीता समारोह पितवां पाणौ महासायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, श्री प्रभुपाद की जय। नमो ब्राह्मण देवाय, ओ ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज एकादशी का परम पावन दिवस है। एकादशी का दिन परम पवित्र माना जाता है, क्योंकि एकादशी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है। सुबह भी हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार से तुलसी देवी भगवान को प्रिय हैं, राधा रानी भगवान को प्रिय हैं, उसी प्रकार से एकादशी महारानी को भी बहुत प्रिय हैं भगवान को। यदि कोई अन्य दूसरे व्रत को आप नहीं कर पाते हैं, किसी भी दूसरे व्रत को आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकादशी में उपवास करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो सारे व्रतों को करने का फल मिल जाता है, और एकादशी में ज़्यादा जप करने से भगवान की ज़्यादा भक्ति मिलती है, भगवान का आश्रय मिलता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करते हैं, भगवान की कुछ विशेष प्रकार की सेवा करने की कोशिश करते हैं, सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो एकादशी के इस परम पवित्र दिन में हम सभी भगवान की कथा का कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने का अर्थ केवल मृदंग में, करताल में या हारमोनियम में कीर्तन करना नहीं होता है। यदि भगवान की कथा का गुणानुवाद किया जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का, श्री कृष्णचंद्र जी की कथा का, तो वह भी भगवान का कीर्तन है। इसलिए कहा गया है कि यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदर्हम। यत् कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति हृदय में आ जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में इन सभी विषयों के बारे में चर्चा की गई है। प्रथम दिवस में आपने भागवत का कुछ महत्व सुना। कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हैं, और जो भगवान का भजन करता है, कुंती महारानी के माध्यम से आपने सुना, भगवान उनकी सारी विपत्तियों को हर लेते हैं और उनके हृदय में भगवान सदैव के लिए निवास करने लगते हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कल की कथा में विशेष रूप में आप सभी ने ये सुना कि अम्बरीश महाराज ने किस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। कल यह भी बताया गया था कि यदि आपसे कोई पूछे कि भागवत क्या है, कम शब्दों में बताइए श्रीमद् भागवत क्या है, तो आपने सुना कि श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है, और श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्थिति के चार श्लोक हैं।
तो जैसा कि कल आपसे कहा था कि आपने अंधवेश महाराज की कथा सुनी और वृत्रासुर के उन चार श्लोकों को आपको समझाएंगे, उस सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो वृत्रासुर जी वास्तव में युद्ध के मैदान में थे जब उन्होंने ये स्तुति की है। युद्ध के मैदान में केवल एक ही चीज याद रहती है, मारो या मरो। लोग मारते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में यदि कोई भगवान को प्रणाम करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, युद्ध के बीच में अर्जुन ने भी स्तुति की भगवान की, सखे तिमत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणेन। भगवद गीता में आप लोग सुनते हैं, लेकिन वो युद्ध के प्रारंभ में की, उस समय युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन वृत्रासुर जी ने जो स्तुति की वो युद्ध के बीच में स्तुति की। आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे। कोई भी उन्हें मार सकता था उस समय, इंद्र मार सकते थे उस समय, लेकिन इंद्र ने जब ये देखा कि ये तो मेरे आराध्य देव की स्तुति कर रहे हैं, अब इन्हें मैं कैसे मारूं, ये तो वैष्णव है, तो इंद्र भी सोचने लगे कि अब मैं इनका वध कैसे करूं। तो वृत्रासुर उस युद्ध के मैदान में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपना दास बना लीजिए। पहले भी मैं आपका दास था अपने पूर्व जन्म में, अब पुनः आप हमें अपना दास बना लीजिए। तो कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानु दासो भवतास्मि भूय, मनः स्मरेत अस्पतैर्गुणांस्ते ग्रणीत वा कर्म करोतु कायः। बहुत सुंदर इसको कहते हैं कि अहम हरे तब पादैक मूल, अपने पूर्व जन्म में मैंने आपकी भक्ति की है, भक्ति के प्रभाव से उनको अपने पूर्व जन्म याद है। वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, जिन्होंने 1 करोड़ विवाह किए थे एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, एक पुत्र प्राप्त हो जाए, तो एक एक करके 1 करोड़ विवाह कर लिए, बहुत सारे विवाह कर लिए, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। कल आपने सुना कि कर्मों के आधार पर हमारा अगला जीवन पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है गर्भ में ही। जब बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय आगे के जीवन का निर्माण हो जाता है। तो यदि भाग्य में कुछ है, शास्त्र कहता है, तो बिना उद्यम के, बिना प्रयास किए हमें वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, अगर हमारे भाग्य में है। लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो कितना सर फोड़ लो, कितने हाथ पैर मार लो, लेकिन वस्तु प्राप्त नहीं होती अगर भाग्य में नहीं। तो पुत्र की इच्छा से करोड़ विवाह कर डाले, फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। बाद में अंगिरा ऋषि ने एक पुत्र दिया, एक पुत्र प्राप्त हुआ, एक यज्ञ को करके फल के माध्यम से पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी रानियों ने मिलकर उसे जहर पिला दिया। पुत्र प्राप्त हुआ तो महाराज केवल उसी रानी के पास जाया करते थे जिसका वो पुत्र था, तो दूसरी रानियों को ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने दूध में जहर डाल के पिला दिया।
पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन मर गया। तो भाग्य में यदि नहीं है तो वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत विलाप हुआ था चित्रकेतु महाराज के विलाप का, बहुत वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। बाद में अंगिरा मुनि को नारद जी के साथ आना पड़ा कि आप भी समझाइए, और दोनों ने मिलकर समझाया, तब चित्रकेतु महाराज समझे और बाद में भगवान शंकरशन के भक्त बन गए। शरीर छोड़ने के बाद एक गंधर्व बने चित्रकेतु महाराज। शिवजी के चरणों में कुछ अपराध हुआ, शिवजी पूर्ण विरक्त हैं, पूर्ण वैरागी हैं, तो अपनी गोद में उनके अर्धांगिनी पार्वती जी बैठी रहती हैं। तो सती गोद में बैठी थी और वो भगवान की कथा कर रहे थे शिव जी। तो ऊपर से गंधर्व तो ऊपर उड़ते हैं अपने विमान में, तो ऊपर से वो हंसने लगे कि ये कैसे वैरागी हैं, कर तो रहे हैं भगवान की कथा लेकिन पत्नी से देखिए कितना अटैचमेंट है कि उसको अपनी गोद में बैठा लिया। शिव जी के उच्च स्तर को वो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और ये अपराध हो गया। तो पार्वती जी के श्राप से उनको एक राक्षस बनना पड़ा, तो अगले जीवन में एक राक्षस बने जिनका नाम था वृत्रासुर। तो लेकिन राक्षस बनने के बाद भी बाद में क्षमा मांगी उन्होंने कि क्षमा कीजिए, वो इतने बड़े गंधर्व थे कि चाहते तो वो पार्वती जी को श्राप दे सकते थे लेकिन उन्होंने पलट के श्राप नहीं दिया, क्षमा मांगी कि मेरे कर्मों का मुझे फल प्राप्त हुआ है, आपने जो ये मुझे श्राप दिया है। तो इसमें भगवान की कुछ उत्तम इच्छा है, और वास्तव में भगवान की उत्तम इच्छा थी। भगवान चाहते थे उनको अपने धाम में बुलाना, इसलिए राक्षस का स्वरूप मिल गया, लेकिन राक्षस का स्वरूप पाकर भी उन्हें भगवान का भजन याद था जो उन्होंने पहले किया था भगवान शंकरशन का। तो शंकरशन के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूलं दासान दासो भवतास्मि भूय, भवतास्मि भूय, मैं पुनः दासों का दास बन जाऊं, हे हरि ऐसी कृपा कीजिए। अहम हरे तब पादैक, हमें अपने चरणों में रखिए, आपके चरणों में रहने वाले दासों का दास बना लीजिए। जो भक्त आपकी सेवा करते रहते हैं ऐसे भक्तों के चरणों में हमें रखिए, उनका हमें दास बनाइए। तो कह रहे हैं कि पहले भी आपका दास था, उन्हें दास बना लीजिए। तो हम सबके जीवन का क्या कर्तव्य है, हमारे जीवन का भी यही कर्तव्य है। एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हे भगवान आप हमें अपने दासों का दास बनाइए। भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं, दासों का दास बनाइए। कल आपने ये भी सुना कि भगवान को उनके भक्तों के भक्त बहुत प्रिय हैं। भक्तों की जब भक्ति की जाती है तब भगवान के विषय में कुछ पता चलता है, पढ़ के उतना ज्ञान नहीं हो पाता, बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं भगवान के भक्तों की शरण में जाने से। जाके उनसे हम पूछते हैं कि बताइए हमने ऐसा पढ़ा है लेकिन ऐसा भी पढ़ा है, अब ऐसा करें कि ये करें, क्या करें, आप बताइए जो उचित है। तो भक्त शास्त्रानुसार क्या करना चाहिए वो आपको बतलाते हैं, अपने मन से नहीं बताते, शास्त्र में क्या करनीय है वो आपको बतला देते हैं। तो भगवान के भक्तों की भक्ति करने से भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए वृत्रासुर कह रहे हैं कि हमें पुनः अपने दासों का दास बना लीजिए। क्यों बना लें,
भगवान पूछे क्यों बना ले, क्या कारण है कि तुम मेरे दासों का दास बनना चाहते हो, तो कहते हैं मन स्मरेता अशुपते गुणांस्ते गृणीत वाकर्म करोपकार। जब मैं आपके भक्तों का भक्त बन जाऊंगा, बढ़िया से आपके भक्तों की सेवा करूंगा, तब मेरा मन हमेशा हरि के गुणगान का चिंतन करेगा, हरि के गुणों का चिंतन करेगा। मनः स्मरेता अशुपतेर गुणांस्ते, भगवान के गुणानुवादों का चिंतन करेगा मेरा मन जब मैं आपके भक्तों की भक्ति करूंगा। तो भक्तों से जब सुनते हैं भगवान के विषय में, तभी तो भगवान के गुणानुवादों का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान के चरण कमलों का चिंतन होता है। और गृणीत वाक, वाणी से आपके गुणों का गुणानुवाद करूंगा। वाणी जो है भगवान के द्वारा दी गई है, हम बोल पाते हैं बहुत अच्छे से, कुछ अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे हमारे ऊपर। कभी कभी कुछ लोग केवल बुरा कहते हैं, कटुता च वाणी, वाणी कुछ लोगों की बड़ी कटु होती है, तो क्या बोले वो हमारे ऊपर है, अच्छा बोले या बुरा बोले। कई जगह ऐसा लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। तो वाणी कैसी बोलना चाहिए कि मन का आपा खोए, सुनने वाले के मन में शांति छा जाए, अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। औरन को शीतल करे, दूसरे लोगों को सुनकर अच्छा लगे और दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। अब कुछ लोग ऐसे ही वाणी बोलते हैं कि दूसरे भी नाराज होते हैं, दूसरे नाराज होंगे तो और नाराज होंगे। तो वाणी भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए। जब हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और वाणी की उसी में सार्थकता है। एक कथा याद आती है, लोटोका में एक महाराज कथा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कथा में बताया कि पंडित जी थे, कौन थे पंडित जी, बहुत बढ़िया से पूजा करते थे, बहुत बढ़िया से कथा करते थे, लेकिन वाणी में कुछ प्रॉब्लम था। वो कुछ ऐसा बोल देते थे जो लोगों को बुरा लग जाता था। सब बढ़िया से करते थे, वेदों का उच्चारण विधि विधान से पूजा करते थे, लेकिन ऐसी वाणी बोल देते थे कि लोग नाराज हो जाते थे। तो उनकी पत्नी उनको कहीं जाने नहीं देते थे किसी के घर में पूजा इत्यादि करने के लिए, कि जाओगे झंझट करके आ जाओगे, घर पर पड़े रहोगे। किसी को पूजा करानी थी, कोई दूसरा ब्राह्मण उपलब्ध नहीं था, पता लगा कि सबसे अच्छे ब्राह्मण वो घर पर रहते हैं, लेकिन आजकल कथा कराना बंद कर दिया। तो घर में गए, कह रहे क्या बात है, हमारे घर में चल के पूजा पाठ कर दीजिए और बहुत धन देंगे। तो धन का लोभ दिया खूब, इतना धन देंगे चलिए। तो पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, मुंह बंद, कुछ बोलना मत, पूजा कराना और अपनी झोली उठाना और वापस आ जाना दक्षिणा लेके, अपना मुंह मत खोलना और कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है ठीक है, धन्यवाद, जाने दिए। तो गए, बहुत बड़ा किसी ने घर बनाया था, तो वास्तु पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छी पूजा की, मंत्रों का उच्चारण किया, यज्ञ इत्यादि हुआ, बड़ी दक्षिणा दी गई, दक्षिणा को ग्रहण करके और पंडित जी बस जाने के लिए तैयार हुए। बोलना नहीं है कुछ, पत्नी ने मना किया, बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सही बोलती है घर वाले। तब तक वो पूछ लिया उसने जिसका घर था,
कह रहे पंडित जी आपने आए आके इतनी अच्छी पूजा की, जरा बता के जाइए कि घर कैसा लगा, हमारा घर कैसा लगा बताइए। तो नहीं नहीं बहुत अच्छा था। अरे बहुत अच्छा था, बस इतना ही बोल रहे, ठीक से बताइए कि घर कैसा लगा, इतना बड़ा हमने घर बनाया है, घर कैसा लगा है। तो उन्होंने कहा अच्छा पूछते हो तो मैं बताता हूँ, बताने वाला नहीं था लेकिन पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा घर, बहुत बढ़िया घर बनाया है, कमरे अच्छे हैं, सब बड़े हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ इसका दरवाजा बहुत छोटा है। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी को बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसे बोल दिया कि जब तुम मरोगे तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम इतने मोटे हो, तुम्हारी अर्थी को बाहर कैसे निकालेंगे सेठ। तो उसको गुस्सा आ गया, अरे हमें मोटा बोलते हो, वो पकड़ के बंद कर दिया उसको एक रूम में और सारा जितना दक्षिणा दी थी सब ले लिया। पूछा तो बता दिया उन्होंने, उनकी वाणी ऐसे ही थी कटुता च वाणी। वो बहुत देर तक नहीं आए तो फिर पत्नी बेचारी परेशान हो गई, पत्नी को लगता है कुछ गड़बड़ कर दी, इनको बोला था कि अपना मुंह मत खोलना, इन्होंने मुंह खोल दिया। तो पत्नी को बुलाया गया तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ क्यों, तो बताया कि ऐसा ऐसा बोल दिया। पत्नी ने देखा दरवाजे की तरफ, पत्नी ने कहा गलती हो गई माफ कर दीजिए, उनको ठीक से बोलना नहीं आया, ठीक से उनको बताना नहीं आया। अरे बता देते कि तुम मोटे हो कोई बात नहीं, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े अलग अलग करके बाहर निकाल लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके घर से बाहर निकाल देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, घर का दरवाजा छोटा है तो, ऐसा बोल दिया तो उसको भी बंद कर दिया। बच्चे को, बच्चा परेशान घर में आया, मम्मी ना पापा किसने बताया, तो पूजा करने गए थे फिर वापस नहीं आए, फिर माता जी भी वहीं गई, तो बच्चा गया, बच्चा ने बोला हमारे मम्मी पापा को क्यों बंद करके रखा है, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत कटु वाणी है उनकी, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि सेठ तू इतना मोटा है बाहर कैसे निकालेंगे तेरे मरने के बाद, और पत्नी कहती है कि छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल लेंगे। तो वो लड़का कहता माफ कर दीजिए, उनको ठीक से बताना नहीं आया, माफ कर दीजिए। बोले बाहर निकलने की क्या जरूरत है, यही गड्ढा खोद के गाड़ देते, बाहर जाने की जरूरत क्या है, यही कहीं गड्ढा खोद के तुम्हें गाड़ देते मरने के बाद। तो तो सेठ भी बोला कि सब एक जैसे घर के भगा इनको निकाल दिया, सबको निकाल दिया। तो वाणी हम पंडित जी बता रहे थे, वो महाराज बता रहे थे कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। तो वाणी अच्छी बोलना चाहिए, किसी को दुख ना, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, हम लोग तो भूल जाते हैं, हम सभी भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। और बोलने में सबसे अच्छा बोलना क्या है, भगवान की कथा बोलना। दूसरी बातें बोलेंगे, कुछ और बातें बोलेंगे तो कोई नाराज होगा, लेकिन भगवान की कथा करेंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो वाणी से क्या निकले, कृष्ण कथा, राम कथा, राम कथा सुखदायी, भजन करो भाई और प्रसादम अपने आप मिल जाए। हम लोग क्यों लोग घर में बुलाते हैं, क्यों खिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं, लेकिन तीजी में लंबासा में कोई नहीं जानते थे, फिर भी यहाँ के ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कर रहे हैं, क्यों, क्या कारण, क्योंकि कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं, अन्यथा कौन पूछेगा। पैंट शर्ट पहन के यहाँ से निकल जाएंगे कोई पूछेगा, अरे कोई आदमी जा रहा है, लेकिन धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के चुटिया रख के निकलेंगे तो कोई महाराज कहाँ जा रहे हैं, आइए थोड़ा आइए बैठिए, तो सत्संग करते हैं, तो प्रसाद ले लीजिए।
तो भगवान के भक्त बनने में ये फायदा है कि प्रसादम अपने आप मिल जाए। कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में, आपको अपने आप भोजन मिल जाए खाने के लिए। जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक। शास्त्र में ये एग्जाम्पल कई जगह दिया गया है। ये पीपल का वृक्ष है, बहुत सुंदर, और उसके हरे हरे पत्ते हैं। पीपल के वृक्ष के हरे हरे पत्ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए। तो मंदिर में है और हरे हरे पत्ते हैं। जब कोई पत्ता नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा? सूख जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पेड़ से लगा है इसलिए हरा है। जब तक हम कृष्ण से जुड़े हैं हम लोग हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी। कृष्ण को छोड़ते ही सूख जाएंगे, निराशा आ जाएगी। लोगों से पूछो तो बोल देते हैं आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन थोड़े दिन तक निश्चिंतता बढ़ाइए, फिर तब बताएंगे कि हमें ये दुख है, हमें ये दुख है, हमें ये दुख है। दुखों की नदियां निकलने लगती हैं, दुख बहने लगते हैं। हम लोगों से तो लोग वैसे ही विश्वास में बता देते हैं, क्योंकि तो प्रचार करते हैं तो लोग विश्वास में आके पहले ही मीटिंग में बता देते हैं कि अरे बहुत दुख है, क्या करें आप बताइए। वाणी से भगवान का गुणगान करना चाहिए, वृत्रासुर जी कहते हैं, तब हृदय में प्रसन्नता आएगी। और गणित वा कर्म करो तो काया, और काया ये शरीर भगवान का है, भगवान ने दिया है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। शरीर चलाने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह शरीर धन्य होता है जब हम इस शरीर से भगवान की सेवा करते हैं। कल आपने सुना कि अंग्रेज महाराज बहुत बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। तो अपने काम से निकलकर कभी कभी मंदिर जाएं और जाकर मंदिर के बड़े भक्तों से पूछें कि क्या सेवा है बताइए, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं तो इससे आपका शरीर भी परम पवित्र पावन हो जाएगा। ये शरीर सफल हो जाएगा, अन्यथा ये शरीर है क्या? धातु कुंभ पे शरीर में है क्या? रक्त, मांस, हड्डी, मल मूत्र ये भरा हुआ है। हम लोग मेकअप कर लेते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन ऊपर की चमड़ी को यदि निकाल दिया जाए, पहली चमड़ी को निकाल दिया जाए, कोई देखना चाहेगा? बोले भूत आ गया, भगा उसको, निकालो, गंध मार रहा है। जिस माता पिता से, जिस पत्नी से, जिस पति से, जिन बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, यदि उनका निधन हो जाए एक दिन के बाद ही कहते हैं कि जल्दी से घर से बाहर निकालो, कब इनका अंतिम संस्कार करना है, नहीं तो शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं, शरीर बास्ट मार रहा है, जल्दी निकालो। और अकेले में कोई नहीं जाता उनके पास, डरते हैं भूत होगा, तो अकेले में नहीं जाते। जिनसे बहुत प्रेम करते थे उनकी अर्थी पड़ी है पास में, कोई पास में अकेले नहीं जाते, बस दो चार लोग रहे, जाना मत मम्मी डर लगता है, यही रहे, सास से बोलते जाना मत डर लगता। लड़का अपने पिता से बोलेगा पिताजी यही रहे, थोड़ी साहस रहेगा, दो लोग रहे, क्यों भूत यही भटक रहा होगा। हमने जीवन में कितने कष्ट दिए हैं हम ही जानते हैं, है ना। तो करो तो काया, ये काया पवित्र हो जाती है भगवान की सेवा पे। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें अपने धाम बुला लेते हैं, आ जाओ, क्या चाहिए संसार में, कुछ चाहिए तो वो दे देते हैं। तो वृत्रासुर कहते हैं हमें ये संसार नहीं चाहिए, हम कुछ क्यों युद्ध कर रहे हैं, कुछ चाहिए क्या? ननाथ पृष्ठम न च पारमिष्ठम
न सार्वभौमं नरसाधिप न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजस्त्वा विरहयकं। उन्होंने कहा क्यों युद्ध कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या, मैं दे देता हूं, स्वर्गलोक चाहिए, ये युद्ध स्वर्गलोक में चल रहा था, वृत्रासुर और इंद्र के बीच का युद्ध स्वर्गलोक में चल रहा था, स्वर्गलोक चाहिए दे देते हैं। नाक का अर्थ होता है स्वर्गलोक, हमें स्वर्गलोक नहीं चाहिए। अच्छा स्वर्गलोक नहीं चाहिए तो नाक प्रष्ठम, तो नाक के पृष्ठ पे जो उच्च लोग हैं वो चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ननाक और ननाक पृष्ठम, ब्रह्मलोक चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। वृत्रासुर कहते हैं कि हमें ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ऊपर के दूसरे लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, नीचे के लोक चाहिए, नीचे के लोग की इच्छा है। नरसातल इच्छा, न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं, नीचे के लोगों का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए। न नाक पृष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं, तो क्या चाहिए, योग सिद्धियां चाहिए, योग सिद्धियां चाहिए। सार्वभौमम यह पृथ्वी का राज्य, भौमम पृथ्वी का राज्य, नाक पृष्ठम ऊपर के लोग, ब्रह्मलोक तक पृथ्वी चाहिए, कि पृथ्वी भी बहुत भाग्यशाली है, तो सार्वभौमम इस पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, नीचे के लोग नहीं चाहिए। अच्छा समझ गए तुम्हें, योग सिद्धियां चाहिए, योग सिद्धियों से लोग कुछ भी कर सकते हैं, यदि योग सिद्धियां मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए दुर्वासा मुनि के पास कितना योगिक पावर है, वो कहीं भी जा सकते हैं और सब लोग उनका भजन करते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, तो न योग सिद्धिर वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो मुक्ति चाहिए, ना पुनर्भवं वा, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए। समंजस्त्वा विरहय कांक्षे, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे, बस ऐसी कृपा कीजिए। सब कुछ नहीं चाहिए, ना पुनर्भवं वा, समंजस्त्वा विरहय कांक्षे, अब किस तरह से मेरा मन उनके चरण कमल में लगा रहे ये बताते हैं। तो अजात पक्ष इव मातरं खगः स्तन्यं यथावत् सुतरः शुरः प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णः मनोरविन्द्राक्ष विद्रक्षते त्वम्। तीन उदाहरण देते हैं और प्रत्येक उदाहरण पहले से ऊपर है, तो ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। मेरा मन भगवान के चरण कमलों में किस तरह से लगा रहे वो बता रहे हैं और उसके लिए तीन उदाहरण देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला उदाहरण क्या है, अजात पक्ष एव मातरं खगः, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी पंख नहीं निकले वो घोंसलों में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं और वो अपनी माता का इंतजार करते हैं, अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं कि कब माता आएगी और आकर उन्हें दाना खिलाएगी। तो चिड़िया जाती है कहीं से कोई दाना लेती है और अपनी चोंच में पीस कर खिला देती है बच्चे, तो अपनी माता का प्रतीक्षा करते हैं, माता की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, दाने की। वो पक्षी डर जाते हैं, कभी कभी कोई उल्लू बोलता है या कुत्ता भौंकता है तो डर जाते हैं, उस माता आती है तो तुरंत चेंचा 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 करने लगते हैं, अपनी चोंच खोलते हैं और माता पीस के खिला देती है।
तो जिस तरह से कोई पक्षियों का बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं अपनी माता की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह से मेरा मन आप में लगा रहे सदैव। तो पक्षी सदैव ध्यान करता रहता है कब माता आएगी, कब माता आएगी, कब माता आएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा ये एग्जाम्पल? किसको अच्छा नहीं लगा कौन बताएगा? हाँ, वृत्रासुर को अच्छा नहीं लगा। कथा सुन रहे हैं ना आप लोग, वृत्रासुर बोल रहे हैं, तो उनको ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा कौन बताए? सुना ध्यान से, कौन बताएगा कि किसको ये एग्जाम, क्यों वृत्रासुर को ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा? पहला, अरे पक्षी का बच्चा अपनी माता की दिन रात प्रतीक्षा करता है कब माता आएगी, कब माता आएगी। ऐसे मेरा मन आप में लगा रहे, फिर भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उस छोटे से पक्षी का बच्चा, छोटा सा पक्षी बच्चा, वो माता का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, किस लिए? दाने के लिए। कब माता आएगी और दाना खिलाएगी? और ये दाना बाहर की वस्तु है, माता की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन किस लिए? दाने के लिए। इसलिए ये एग्जाम्पल वृत्रासुर को अच्छा नहीं लगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है, स्तन्यं यथावत्स तरह क्षुदरत्। जैसे गाय का बच्चा अपनी माता की प्रतीक्षा करता है ना, अभी यहाँ पे होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पहले के जमाने में भारत में ऐसा होता था कि सुबह सुबह गाय को भेज दिया जाता था खिरके में। कोई आता था, एक यादव आता था और वो सारी गायों को ले जाता था चराने के लिए जंगल में, और गाय शाम को वापस आती थी चर के। अब तो अपने ही जगह पे चराया जाता है, लेकिन पहले एक व्यक्ति ले जाता था चराने के लिए जंगल में और घास चरा के शाम को लेकर आता था। शाम को लेकर आता था, उस समय धूल उड़ती थी गौओं के पैरों से, इतनी गाय होती थी, धूल उड़ती थी, इसीलिए उस संध्या के समय को गौधोली बेला कहते हैं। गौधोली बेला, जब गाय की धूल उड़ती है गाय के चरण से। तो बच्चा दिन भर घर में रहता था, गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा, और अपनी माँ का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है कि कब माँ आएगी और आकर मुझे दूध पिलाएगी। अब पहले ये बताइए कि पक्षी भी इंतजार कर रहा है किसके लिए? दाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल दिया है ये वृत्रासुर जी ने कि पक्षी का बच्चा पहले एग्जाम्पल में अपनी माता की प्रतीक्षा करता है दाने के लिए, यहां भी बछड़ा अपनी माता की, गौ की प्रतीक्षा कर रहा है दूध के लिए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से श्रेष्ठ कैसे है? प्रश्न ये है, कैसे श्रेष्ठ है? क्या जरूरत थी एग्जाम्पल देने? दोनों में प्रतीक्षा हो रही है, एक में दाने की, दूसरे में दूध की, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल श्रेष्ठ कैसे है पहला एग्जाम्पल से, ये बताइए जी। कौन बोल रहा है? हाँ, मां का दूध है, बिल्कुल सही उत्तर। जो दाना है चावल का वो बाहर की वस्तु है, लेकिन दूध माता के अंदर का है ना, दूध माता का है। तो दूध का चिंतन कर रहा है तो एक तरह से मां का ही चिंतन कर रहा है, माता का ही चिंतन हो रहा है, क्योंकि दूध माता के अंदर है, वो माता का ही एक भाग है, एक अंश है। तो ये एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं है कि अभी भी दूध का चिंतन है। तब कहते हैं प्रियम प्रियव
विशुतं विशन्नं मनोरविंद्राक्ष दिद्रक्षते त्वं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जिस तरह से किसी प्रेयसी का पति, किसी स्त्री का पति विदेश चला गया हो, न्यूजीलैंड चला गया हो, किसी का पति ऑस्ट्रेलिया चला गया हो, अमेरिका चला गया हो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, सती स्त्री हमेशा, कि मेरे पति कब वापस आएंगे, मेरे पति कब वापस आएंगे। तो सती स्त्री ये नहीं सोचती है कि मेरे पति अमेरिका गए हैं तो वहां से वो डायमंड, अमेरिकन डायमंड लेके आएंगे, या न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड चीज लेके आएंगे, या ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वहां से ये लेकर आएंगे, ये नहीं सोचती है। वो ये सोचती है मेरे पति कब वापस आएंगे पूरे के पूरे, और वो मुझे आकर तृप्त करेंगे। तो ये एग्जाम्पल उनको बड़ा पसंद आया, ये सही है, क्योंकि अब कोई दूसरी बाहरी वस्तु की इच्छा नहीं है, पति की इच्छा है, पति कब वापस आएंगे। प्रियम प्रियवा विशुतं विशन्निना, यही सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम उदाहरण है। मनोरविंद्राक्ष दिद्रक्षते त्वं, उसी तरह से मेरे मन रूपी अरविंद, मेरे नेत्र हे भगवान आपको देखते रहे, आपका चिंतन करते रहे, जिस तरह से विदेश गए हुए पति का चिंतन पत्नी करती है, उसी तरह से मेरे मन रूपी नेत्र आपको देखते रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्णी त्वं माययात्मात्मजगारिके सत्यचित्तस्य मनात् भूयात्। तो अब ये कैसे संभव होगा कि मेरे मन रूपी नेत्र सदैव आपको देखते रहें, ये कैसे संभव होगा? इसलिए कहते हैं भगवान, कहते हैं कुछ और मांग लो, तो वो कहते हैं, वृत्रसु जी कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा सख्य हो किसके साथ, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा जनेषु सख्यम संग हो किसके साथ, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक जन, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, भगवान कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र जी का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों नाम है उत्तम श्लोक, क्यों कहा जाता है भगवान को उत्तम श्लोक, ये सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि उत्तम श्लोकों से हम भगवान की स्तुति करते हैं, सर्वोत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए उनका एक नाम ही है उत्तम श्लोक, कई जगह आया है श्रीमद् भागवत में। उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति की जाती है उनका नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा सख्य हो, मेरी मित्रता हो, भगवान के भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो। क्यों? क्योंकि संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हे भगवान आपकी माया से हम लोग इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से भ्रमण कर रहे हैं, कितने सालों से भ्रमण कर रहे हैं, कभी पतंगा बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी मछली बनते हैं कोई पकड़ के खा जाता है, कभी बकरी बनते हैं कोई सीधे गला काट देता है। पहले के जमाने में बलि दी जाती थी ना, बलि, तो बलि देते समय एक मंत्र पढ़ा जाता था, उस मंत्र का अर्थ ये है कि इस जन्म में मैं इसे काट रहा हूं, अगले जन्म में ये मुझे काटे, ये मन बताइए काटेंगे बकरे? पहले के जमाने में अश्व की बलि होती थी, गौ की बलि भी दी जाती थी पहले के जमाने में, कलयुग में वर्जित है, श्लोक में लिखा गया है,
अश्वमेध ग्वालंबं सन्यासं पल्पैत्रकं देव रेण सुतोत्पत्तिम कलह पंच विवर्जे। पांच चीजें वर्जित है कलयुग में, गाय की बलि, घोड़े की बलि, सन्यास भी वर्जित है, लेकिन प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और यह शिक्षा दी कि प्रचार के लिए सन्यास लिया जा सकता है, अपनी पूजा के लिए नहीं। कि मेरी पूजा करेंगे लोग, बोलेंगे गुरुजी गुरुजी, खाना खिलाएंगे, दिन रात दक्षिणा भी देंगे, इसलिए नहीं, प्रचार के लिए। इस्कॉन में देखे श्री प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया भी, दिया भी, क्यों? प्रचार के लिए। इतने सारे सन्यासी घूमते रहते हैं, प्रचार करने करते रहते हैं, क्या जरूरत है उनको यहाँ आने की, इतनी दूर आने की, कष्ट उठाने की? कष्ट ही है ना। एक बार प्लेन में गए, दो बार प्लेन में गए, ठीक है, अच्छा अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन सुबह कोई प्लेन, शाम को कहीं का प्लेन, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी यहाँ कभी वहाँ, खाने की तो कमी नहीं है उनको। वृंदावन में मंदिर में रहेंगे, बहुत लोग सेवा करने वाले हैं, बहुत खिलाने पिलाने वाले हैं, लेकिन कष्ट लेकर आते हैं लंबा सा, सुआ लोटो का, इतने सारे सन्यासी, शरीर ठीक नहीं है फिर भी आते हैं, क्यों? प्रचार करने के लिए, कि हमें भक्त बनाना है, हमें ज्ञान देना है, इसलिए वो सन्यासी आते हैं। तो सन्यास कलयुग में वर्जित है, लेकिन फिर भी ग्रहण करते हैं प्रचार के लिए, केवल एक फॉर्मेलिटी है। पल्पैत्रकम देव रेण सुतोत्पत्ति, पहले देवर्ष अगर पति मर गया हो तो देवर्ष से पुत्र उत्पन्न किया जा सकता था, लेकिन वो भी कलयुग में वर्जित है, कलयुग में वो नहीं किया जाता है, वो भी वर्जित। तो ऐसे ये सब चीजें वर्जित हैं कलयुग में। और कहाँ से बात निकल गई, हम क्या बात बता रहे थे, कि ये संसार बहुत भयावह है। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, हम लोग इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कभी कीड़ा बनते हैं, मकोड़ा बनते हैं, सुअर बनते हैं, ये बात चल रही है, लेकिन भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। प्रथम दिवस बताया था कि 2.25 करोड़ साल के बाद ये सुविधा दी जाती है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते 2.25 करोड़ साल बीत जाते हैं, फिर एक समय आता है जब मनुष्य देह मिलता है, और इस देह में आकर भी हम वही करेंगे जो हमने पशुओं के जीवन में किया है, खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन चक्र, तो क्या फायदा, कोई फायदा है? ये जन्म मिला है कुछ ज्यादा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, पशु नहीं समझ सकते हैं, मनुष्य समझ सकते हैं, बैठे हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं, पशु नहीं समझ सकते, तो अपनी बुद्धि लगा के समझना है हमें कि देह हमें क्यों दिया गया है, अब हमें इस जन्म मरण के चक्कर को यही समाप्त करना है। जब से कोविड आया है तब से हम हमेशा कहते हैं कि हर 10 साल में एक नया वायरस आता है, आता ही है, कोई ना कोई वायरस आ जाता है हर 10 साल में, और आने वाला वायरस पहले वायरस से बहुत भयानक होता है। अब सोचिए कोविड इतना भयंकर था, पूरे देश में हाहाकार मच गई, वैक्सीन नहीं बना पाए, है वो तो पूरा इम्यूनिटी है, तो अब यदि कोई वायरस आएगा तो क्या होगा, मनुष्य ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को खाएंगे, तो मूवी में देखते हैं ना वैसे ही होगा। अब चाहते हैं आप दोबारा जन्म लेना, चाहते हैं कि ऐसा समय आए और हम जीवित रहें। पृथ्वी खाना देना धीरे धीरे बंद कर देगी, भोजन देना बंद कर देगी, अन्न नहीं देगी पृथ्वी, मनुष्य एक दूसरे को खाएंगे, ये ऑलरेडी भागवत में लिखा है, ज़ॉम्बी के बारे में ऑलरेडी लिखा गया है भागवत में, एक समय आएगा जब एक दूसरे को लोग खाएंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बादल वर्षा नहीं देंगे, लोग इतने अधार्मिक हो जाएंगे और पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। फिजी में लंबे समय तक चलेगा खाना पीना, यहाँ की भूमि अच्छी है, लेकिन यहाँ भी तो डर है ना, यहाँ भी डर है, यहाँ रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं,
यहाँ भी है कई प्रकार, इसलिए लोग यहाँ से चले जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो हर जगह डर है, कोई भी जगह संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है। न्यूजीलैंड में डर है, कभी भी वोल्केनो पड़ सकता है, कभी भी जल जाएंगे। अमेरिका में बड़े बड़े तूफान आते हैं, फ्लड आते हैं, हर जगह डर है, हर जगह डर है। तो इसलिए भगवान हमें आपके भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि आपके भक्तों के संग के माध्यम से हमें पता चलेगा भगवान के विषय में, और हमारा मन भगवान में लग जाएगा। इसीलिए आपके भक्तों का संग दीजिए। ननाथ भूया और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं वो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः सुकृतिः। और संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो किसकी माया से? उन्हीं प्रभु की माया है। त्वन मायेयात्मात्म जदार्गे स्वसत्य चित्रस्य ननाथ भूया। तो अंत में हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान का स्मरण करना है। और ये कैसे संभव होगा? एक ही तरह से संभव होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान के भक्तों से जब हमारा सख्य होगा, हमारी मित्रता होगी, तब संभव होगा। तो पूर्ण प्रयास कीजिए और भगवान के भक्तों के पास जाके उनका सख्य कीजिए। हो सकता है कभी कभी किसी किसी कारण से हम लोग दूर हो जाएं, भक्ति छूट जाए, मंदिर छूट जाए, माला छूट जाए, जप छूट जाए, फिर से प्रयास कीजिए। हो सकता है फिर से गिरेंगे, फिर से प्रयास कीजिए। गिरने के बाद उतना सीखना है। आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन नाम था जिसका। क्या किया उन्होंने, कौन से रिसर्च किए? लाइट बल्ब इन्वेंट किया। लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया? थॉमस नाम के किसी व्यक्ति ने, थॉमस एल्वा एडिसन नाम के किसी व्यक्ति ने। तो लाइट बल्ब बनाने के पहले वो कितनी बार फेल हुए जानते हैं? 5000 बार फेल हुए। बनाते थे नहीं होता था, बनाते थे नहीं, लेकिन गिव अप नहीं किया। और 5000 बार फेल होने के बाद एक दिन प्रयास किया और लाइट बल्ब जल गया। तो हो सकता है कि हम लोग गिरेंगे, हो सकता है गलतियां होंगी, दूर भी चले जाएंगे, जब भी छूट जाएगा, लेकिन पुनः प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, फिर से भक्तों का संग करें, फिर से उनका आश्रय लें, फिर से उनसे पूछें कि आप बताइए कैसे भगवान की भक्ति होगी, और वो आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब मंदिर जाइए। यहाँ पे लंबासा में बहुत सुंदर भगवान का मंदिर है, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का मंदिर है, राधा गोकुल चंद्र जी का मंदिर है। तो मंदिर में जाइए, प्रभु से मिलिए, प्रभु की सेवा कीजिए, पूछिए कि प्रभु क्या करना है, बताइए कैसे भगवान की सेवा में हम लगे, तो प्रभु आपको गाइड करेंगे। हम लोग तो आएंगे आपके चले जाएंगे उपदेश लेकर, लेकिन प्रभु यहीं रहेंगे, मंदिर में रहने वाले भक्त यहीं रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, बराबर प्रारंभ से अंत तक गाइड करेंगे। कभी जीवन में किसी चीज की जरूरत होगी, आप विपत्ति में पड़े जाएंगे तो सहायता भी मिलेगी एक प्रकार की मंदिर से। तो इसीलिए मंदिर से जुड़े रहिए, सभी से अनुरोध है, अंत में यही है अंतिम अनुरोध है कि मंदिर से जुड़े रहिए, भक्तों का साथ दीजिए जिसमें भगवान की सेवा चलती रहे। हरे कृष्ण।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की, श्री राधा गोकुल चंद्र जी की, श्री प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, समस्त भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक रिक्वेस्ट है, आप 5-10 मिनट्स और लेकर और एक कलयुग का जो भक्ति का विधि है, भगवान को हम लोग कैसे समझे, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है भगवान को समझने के लिए, भगवान का क्रिएशन का समझने के लिए, भगवान के भक्तों को समझने के लिए, और हमारा और भगवान से क्या रिश्ता है वो समझने के लिए क्या प्रोसेस है कलयुग में, वो आप उसके उस पर आप कुछ हमको शिक्षा दे दीजिए। हरे कृष्णा। कल कुछ चर्चा हुई थी इस बारे में, युग धर्म के विषय में आपको बतलाया था कि हर युग का एक अलग अलग धर्म होता है। कल विस्तार से बताया था, आज आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि पहली बात तो ये है, भगवान श्री कृष्ण जब इस धाराधाम से जाने लगे तो भक्त निराश हो गए। सुखदेव गोस्वामी भी जाना चाहते थे, यहाँ नहीं रहना चाहते थे। उद्धव इत्यादि भक्त जाना चाहते थे, यहाँ नहीं रहना चाहते थे। तो भगवान कृपा करके इस भागवत में समा गए। तो ये जो भागवत है, तेनेयम वाग्मयी मूर्ति, ये भगवान की वाग्मयी मूर्ति है, भगवान से अभिन्न है। इसकी रचना भी भगवान ने की है, व्यास देव जी भगवान के अंशावतार, रचना भी भगवान ने की है। सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो कौन है, वो तो साक्षात नंद नंदन के अवतार है सुखदेव गोस्वामी कहने वाले, और भागवत पुराण स्वयं भगवान है। तो कितनी परम पावन है, इसी बात से आप समझ सकते हैं। तो इसी भागवत महापुराण में जितनी भी गुप्त बातें हैं वो सब बतलाई गई हैं कि कलयुग में हमें कैसे भगवान को प्राप्त करना है। क्रिएशन को बहुत विस्तार से बताया गया है, कलयुग का धर्म बताया गया है, कलयुग के अवतार बताए गए हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वृहद वर्णन है, वृहद वर्णन 10वें स्कंद में, ऐसे 4 किताबें हैं 10वें स्कंद की अकेले, पहला स्कंद है कि 10वें स्कंद में ऐसे 4 ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो हर युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं। आपने कल सुना कि सतयुग में लोग ज्यादा जीते थे, है ना, कितना जीते थे आपने सुना, बताइए कितना सुना, 1,00,000 वर्ष जीते थे सतयुग में, प्रथम युग में। उसके बाद जो युग आया उसमें 90% आयु घट गई। तो उस युग में क्योंकि बहुत लोग जीते थे तो समय बहुत अधिक था, योग करने में समय लगता है, अपने ध्यान को एकाग्र करने में समय लगता है। तो ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये भी 60,000 साल तक तपस्या किए, राक्षस भी 60,000 साल तक तपस्या किए, भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, दुर्वासा मुनि वाल्मीकि जी इनकी बात छोड़ दीजिए, राक्षस 60,000 साल तक तपस्या की, और तपस्या करके वो जैसा चाहते थे वैसा वर प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से, स्वयं भगवान बनना चाहते थे। तो जो भगवान बनना चाहता है स्वयं, उसका तो अंत निश्चित है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो शाश्वत हो जाता है। हनुमान जी है ना शाश्वत, क्योंकि भगवान के भक्त है इसलिए वो शाश्वत है, हमेशा रहेंगे भक्तों का ध्यान करने के लिए। तो
सतयुग में क्योंकि लोग लंबा जीते थे 1,00,000 साल, तो उस युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि थी तपस्या। तपस्या के द्वारा अपना भगवान से संबंध बनाया जा सकता था। इतनी लोग तपस्या करते थे कि भगवान प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे देते थे कि तुम्हें हमारे साथ रिलेशन प्राप्त हो जाए। भक्त और भगवान के बीच में एक रिलेशन होता है, एक भाव होता है, एक रस होता है, जो निर्धारित है पहले से। लेकिन इस कलयुग में कैसे जागृत होगा? सेवा करने से। सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत यदह। जब भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, हरि नाम लेंगे और सेवा करेंगे, जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो नाम संकीर्तन के साथ साथ सेवा करनी होगी, कुछ ना कुछ सेवा करनी होगी। तो सेवा करके और नाम संकीर्तन करके जो रस, जिस भाव में हमारा संबंध है भगवान के साथ, हमारा संबंध, वो संबंध जागृत हो जाएगा अपने आप। इसी संबंध को त्रेता युग में जागृत किया जाता था, क्योंकि 90% आयु घटी थी फिर भी लोग 10,000 साल जीते थे। तो यज्ञ इत्यादि करके, बड़े बड़े यज्ञों को करके भगवान को प्रसन्न किया जाता। जब त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे तो भगवान स्वयं आते थे अपना भाग लेने के लिए, प्रत्यक्ष आते थे, सशरीर आते थे, देवता भी आते थे अलग अलग स्वरूपों में और भाग ले बैठ कर ग्रहण करते थे। अब हम लोग स्वाहा कहते हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेकर चले गए। अनुभूति होती है, कभी कभी अच्छा लगता है, पता चलता है कि देवता आए और आके लेकर चले गए अपने अपने भाग जो यज्ञ में हमने छोड़ा। यज्ञ में छोड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि इदम इंद्राय इदम न मम, इदम गणेशाय इदम न मम, इदम सदा शिवाय इदम न मम। ये मेरे लिए नहीं है, शिव जी के लिए। लेकिन मन से हम लोग कहते हैं दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, हमें चाहिए हमें चाहिए। दे तो रहे हैं, इदम न ममा बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें दीजिए सुख संपत्ति घर सब कुछ दीजिए, हमें दीजिए। समझना इतना है कि देवता भी निवास करते हैं हृदय में, अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण मंदिर में नहीं बल्कि कहीं भी जाके मांगने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, वो जानते हैं कि हमारे हमें क्या आवश्यकता है। जब वो जानते हैं कि क्या आवश्यकता है तो अलग से मांगने की आवश्यकता क्या है। तो जब मांगना है तो एक ही बात मांगना है, जो आज आपकी कथा में आपने सुनी, वृत्रासुर ने मांगा। क्या मांगा वृत्रासुर? क्या मांगा जी? क्या मांगा वृत्रासुर? कौन बताए? सही बता रहे आपको, और बताइए और क्या मांगा? क्या मांगा वृत्रासुर ने? कथा कथा सुनी ना, शर्माइए मत, बताइए, सारे उत्तर सही होंगे। भगवान की भक्ति मांगी, प्रेम मांगा, चरण कमल मांगा। हमारा मन आपके चरण कमलों में वैसे लग जाए जैसे विदेश गए हुए किसी स्त्री, जिसका पति विदेश गया हो, वो केवल अपने पति का चिंतन करती है कि वो वापस आए, कोई वस्तु लेकर का चिंतन नहीं करती है, हीरा चांदी सोना लेकर आएगा, केवल अपने पति का चिंतन करती है, वैसे हमारा मन आप में लग जाए। ये और क्या मांगो? ममोत्तम श्लोक जनेश कि मुझे आपके भक्तों का संग हो, बस इतना दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें केवल इतना ही मांगना है कि हे भगवान, आप हमें अपने भक्तों का संग दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, बस इतना ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। द्वापर युग में अपने संबंध को एकाग्र कर लिया जाता था भगवान के साथ, कैसे? मूर्ति पूजा करके, अर्चय विग्रह की पूजा, वही एक उपाय था। अर्चय विग्रह की पूजा बढ़िया से की जाती थी और भगवान को प्राप्त कर लिया जाता।
लेकिन कलयुग में हम क्वालिफाइड नहीं है यज्ञ करने के लिए, हम पवित्र नहीं है पूर्ण रूप से अर्चा विक्रय की पूजा करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या तो होने वाली नहीं है। आंख बंद करो और तुरंत चिंतन होगा किसी का, किसी और का नहीं तो फिर वो चिंतन होगा किसे, आजकल के जो बॉलीवुड की उर्वशी है उनका चिंतन होगा, सलमान खान का चिंतन होगा, खानों का चिंतन करते हैं, वही सबसे फेमस है आजकल, तो किसी और का चिंतन होगा आंखें बंद करने से, उनका चिंतन नहीं होगा, परिवार वालों का चिंतन होगा, माता का, पुत्र का, बच्चे का, इसका उसका, इसको यो चाहिए, उसको वो चाहिए, वो वहां झगड़ा कर रहे हैं, उसने ये हड़प लिया, उसने वो ले लिया, बस वही चिंतन होता रहता है, हमारी जमीन हड़प ली, तो वही चिंतन चलता रहता है, तो हमारा मन वो वश में नहीं है, लंबा समय नहीं है कि हम वश में करें योग ध्यान धारणा समाधि लगा के, तो कलयुग में सरल उपाय भगवान को प्राप्त करने का शास्त्र बताता है क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस यही उपाय है। 16 शब्द और 32 अक्षर का महामंत्र, हरे का अर्थ होता है राधा रानी, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, और राम का अर्थ है बलराम जी या राघव, जिसके मन में जैसी भावना वैसा अर्थ, मूल रूप से बलराम जी के लिए भगवान का चिंतन किया जाता है, भगवान की शक्ति के साथ, तो यही एक उपाय है कलयुग में, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और उसमें प्रभुपाद की कृपा देखिए, प्रभुपाद की कृपा देखिए, मंदिरों में अर्चा विक्रय की पूजा भी हो रही है, ध्यान लगा के सुबह सुबह भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र जप भी करते हैं, भागवतम की चर्चा होती है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, यज्ञ भी होते हैं, यज्ञ भी बड़े बड़े यज्ञ होते रहते हैं, भक्तगण यज्ञ करते रहते हैं, संस्कार इत्यादि करते रहते हैं, तो सब कुछ हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, और जो अलग अलग नवधा भक्ति है वो भी हो रही है। नवधा भक्ति कौन कौन सी, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मवेदनम, इन सारे रसों में इस्कॉन मंदिर में पूजा हो रही है, सेवा हो रही है भगवान की, सारे रसों, श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का पाद सेवन भी होता है, अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन सब कुछ होता है, तो हम लोग बहुत, वास्तव में हम लोग बहुत ज्यादा धनवान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धन हम लोगों को मिला है प्रभुपाद की कृपा से, भले चर्च भरी होंगी बाहर तक लोग खड़े होंगे, भले कहीं और लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे, अच्छी चीज कम लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती, अच्छी चीज कम लोगों को मिलती है, तो जो इस कौन में है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, यही संपूर्ण है, इससे ही सब कुछ मिलने वाला है। श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, सारे धर्मों का त्याग करो, सारे धर्मों का त्याग करो, तुच्छ धर्म है और कोई दूसरे, केवल एकमात्र कृष्ण की शरण में आओ, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, भगवान कृष्ण की शरण में आना है, भगवान की भक्ति करना है, नाम जप करना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पूरा श्रीमद् भागवतम भरा हुआ है, हम पे नहीं तो श्रीमद् भागवतम पे विश्वास कीजिए, भगवद गीता पे विश्वास कीजिए, भगवद गीता का सार क्या है, भगवान स्वयं कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एकम कहते हैं माम एकम शरणम, एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अब कोई भगवान के ऊपर विश्वास ना करे तो भैया वो एक अलग बात है,
विश्वास नहीं है तो जाइए, हम अटेंड किए सब। लेकिन जिसने विश्वास कर लिया भगवान उसके हाथों बिक गए और उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देते। देखे सुने न भक्त भिखारी, जिस चीज की आवश्यकता है आपके लिए ठीक है तो मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आपके लिए ठीक है तो भगवान देंगे, बढ़िया से देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर मैं प्रभु जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने अपने भरपूर समय निकाल कर न्यूजीलैंड से आए और हमने भक्तों को सबको एनलाइटन किया भक्ति के बारे में, भागवत महापुराण अच्छी अच्छी कथा आत्मीयता से कथा जो आपने समझाया कैसे हमको भगवान से भगवान के प्रति कैसे हमको आकर्षित होना है और कैसे सेवा करना है। हमारा भगवान से रिश्ता है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी हैं, उनका सेवक है और ये सब भागवत महापुराण में आया है और ये सब आप भाव से समझाए हैं। आपको हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री रूपा श्री गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं भगवान और आपको खुशियाँ दे और भी शक्ति दे प्रचार करने के लिए, जिससे आप जिससे जो दिव्य ज्ञान है आप ऐसे ही बांटते रहे। और आपके साथ जो प्रभु जी आए हुए हैं और ये छोटा सा बेटा जो आपका सहयोग देने के लिए, उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अगर श्रोता नहीं रहता है तो कथा का भी कोई मतलब नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं कथा में ऑडियंस श्रोता होते हैं, तो भक्त यहाँ तीन दिन से पूरे कथा को सुना है। आप सबको हार्दिक धन्यवाद है, भगवान कृपा आप सबके ऊपर बरसेगा। और जो लंबा से यात्रा के टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे फूफा जी आए हुए हैं, कल भी आए थे आज भी आए हुए हैं, उनको भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग रखा जो फैसिलिटेट किया कि हम उसको अच्छे से यहाँ कर सकें। यहाँ का टेम्पल का प्रेसिडेंट हम लोग हमारे पर वो भी परवाए फूफा जी के संदीप हमारे साथ हैं, जितेश प्रभु जो जय जगदीश प्रभु के मनाए लोग उसका यहाँ का ये मंदिर का ये जो ये फैसिलिटी उसका प्रेसिडेंट है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और शी इज़ द मेन पर्सन हु आई वाज लियाइजिंग विद टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो सब हमने टेक किया और बहुत बहुत सपोर्ट की थी माता जी। और यहाँ पर रामलीला भी होता है और हमारे भक्त यदुदास जी ने रामलीला किया था, बस केवल दो हफ्ता उन्होंने यहाँ पर रामलीला किया था। वो हमारे यदुदास डकैती के रहने वाले, मैं भी डकैती के रहने वाला हूँ और मैं कल उसके बेटी की शादी में था तो वहाँ पर भी बहुत क्राउड था और कई लोग यहाँ से भी वहाँ पर गए थे, तो इसी समय इसलिए बहुत लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन सब ये जो भी भागवत थोड़ा भी लोग भागवत सुनते हैं वो इट मीन्स अ लॉट ना। तो ये बगल बगल जो है जो ये जो पेड़ों में जो ये जो पंछी हैं, ये जो कीड़ा है और वो भी सुने, उनका भी सबका कल्याण हुआ है। तो इसने ना भागवत कथा, तो आपको अम्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी आपके जितने भी सदस्य हैं जो सहयोग किए हैं हमको, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे जो ये यहाँ का जो क्या ये जो मंडली का प्रधान अमुक भाई, वो भी बहुत बहुत सपोर्टिव पर्सन है, वो भी यहाँ पर हैं और उनको ही मंडली को धन्यवाद देते हैं। और साउंड सिस्टम लास्ट मिनट में अमित जी, बिग अप्लॉज टू अमित जी और वंडरफुल साउंड सिस्टम एंड हिज टीम। और यहाँ बहुत अच्छा कीर्तन भी गाते हैं और सहयोग दिया है। और जो जितने भी डिवोटीज आप लोग सब आए, आप लोगों को भी हम थैंक्स करना चाहते हैं और सो गिव अ बिग हैंड टू योरसेल्फ, बिग अप्लॉज टू योरसेल्फ।
भगवान श्री कृष्ण से यही आराधना विनती है कि आप सभी को भगवान खुशी देवे, लंबे जीवन देवे और भागवत भक्ति देवे और कृष्ण प्रेम आप सभी को मिले। ये हमारा प्रार्थना है भगवान से। हमारा प्रसाद 1 o'clock रहेगा। हमारा कुक प्रभु जी रेस्टोरेंट के प्रदीप जी और मेरे कज़न से वाइफ मेरे कज़न वो भी और जितने भी भक्त कुकिंग किया अभी एकादशी प्रसाद सभी को मिलेगा उनको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और 1 o'clock प्रसादम रहेगा और जबकि प्रिपरेशन होगा सेविंग के लिए प्रभु जी का कीर्तन जो प्रसाद लेंगे तो प्रभु जी आप अपना कीर्तन कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले मैं अमर जी से आग्रह करूँगा कि आप भी कुछ दो चार शब्द कह दें, धन्यवाद के शब्द कह दें क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी जयेश महाराज को जिन्होंने मुझे एक दो हफ्ते से संपर्क में थे कि प्रभु जी का प्रवचन को हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपका पूरा मौका है, आप कोई भी प्रवचन कोई भी कार्य यहाँ पर करना चाहते हैं तो हमारे ये जो रामलीला मंदिर है आप सभी के लिए ओपन है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को आज जो इतनी सुंदर सरल भाषा में आपने जो भागवत की जो कथा है हम तक पहुँचाए, ऐसा सुंदर लगा कि ऐसा लगा कि हमारा तन मन धन सब स्वच्छ और पवित्र हो गया आपकी कथा को सुनने के बाद। आज में जितने भी हमारे भक्तगण यहाँ पर आए बदने का मन से सभी को मैं स्वागत एवं धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ कि अभी मुझसे डॉक्टर जी ने ये वादा किया है कि वो अगले साल आकर यहाँ बहुत ही बड़ा जो प्रवचन है वो करना चाहते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का सहयोग और भी बड़ा संख्या में यहाँ पर हो। हमारे हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट के जो जितने भी भक्तगण हैं आए सभी के लिए यहाँ पर ये जो मंदिर है ओपन है। कभी भी आप लोग अपना जो प्रवचन कुछ भी कार्य करना चाहें आप सब आ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो चाहेंगे प्रभु ही आए और अभी जस्ट फैसिलिटेट इसी समय किया तो प्रभु जी आएंगे कथा करेंगे और हम थोड़ा बिग वे करेंगे। और मैंने वादा किया था कि थोड़ा कुछ हेल्थ टिप्स एंड में कुछ हेल्थ एडवाइस मैं देना चाहता हूँ और वो ये है। पहला तो ये है कि फ्राइड फूड से थोड़ा बच के रहना चाहिए हमको। फ्राइड फूड जो लोग तेल में खाना फ्राई करके खाते हैं वो काफ़ी डैमेजिंग होता है हमारे, उससे जो बेड फैट है जिसको कहा गया है ट्रांस फैट्स वो जो हमारे हार्ट के आर्टरीज को नेरो कर देता है, उसमें सब जम जाता है। तो फ्राइड फूड्स अवॉइड करें और दूसरा जरूर अवॉइड करें, बहुत कम खाए नहीं भी खाए तो ठीक है। जब मैंने वो 20 years बैक मैंने जब फ्राइड फूड्स के बारे में पढ़ा एक जर्नल में द जर्नल ऑफ वेजिटेरियन एंड नेचुरल हेल्थ ऑस्ट्रेलियन जर्नल में जब मैंने पढ़ा तो उसी समय से मैं फ्राइड फूड एकदम लगभग समझो लोग बंद कर दिया। वो पहला एडवाइस है। दूसरा है शुगर चीनी, हमारे डायबिटीज़ बहुत एक्स्ट्रा कॉमन है फिजी में, तो शुगर जो है चीनी वो एक ड्रग है, वो एक ये यूँ कहिए कि एक नशीले पदार्थ है, एक ड्रग है। तो शुगर अगर हो सके नहीं ले शुगर तो ठीक रहेगा या बहुत कम ले, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक इज इवन बेटर। और जो हर्बल प्रोडक्ट्स होता है सरल से केवल अदरक और दालचीनी और मेथी भी डाल सकते हैं, लवंग भी डाल सकते हैं, उसको पानी में उबाल लेते हैं वो तुम्हारा चाय हो जाता है। एंड इट इज सो हेल्थी। ये जो हमारा जो हमको सब भगवान ने दिया है, हम वी आर सो लकी कि फिजी में हमको सब कुछ मिला हुआ है, ये सब नेचुरल। दालचीनी तो यहाँ पास में बहुत है, दालचीनी बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इंस्टेड ऑफ
ये जो टी कॉफी जो इंटॉक्सिकेशन होता है उसके जगह ये हर्बल टी जरूर लें। और खाने जब हम लोग खाना खाते हैं भोजन करते हैं बहुत अधिक अधिक हमको जैसे जो हमारा साग भाजी है वेजिटेबल्स वगैरह है ग्रीन वेजिटेबल्स उनको बहुत अधिक कुक मत करें। इतना कुक मत करें कि वो ना उसका ग्रीन जो ग्रीन ग्रीनरी है वो निकल जाए ना। कुछ वेजिटेबल्स को थोड़ा बस कुक करना चाहिए जैसे केबज हुआ वो सब ग्रीन होना चाहिए। मोरिंगा है ना कहते हैं वेजिटेरियन ड्रमस्टिक ना लोग बहुत ज़्यादा जो मांस खाते हैं लोग ड्रमस्टिक बहुत लाइक करते हैं तो गेस व्हाट वेजिटेरियन ड्रमस्टिक भी है जो है मोरिंगा यानी कि सेजन का फल वो भी बहुत स्वाद बहुत हेल्थी। और सेजन का जो भाजी होता है वन ऑफ द सुपर फूड्स है तो सभी जगह है यहाँ रामबासा में फिजी में उसका केवल बस पानी में उबाल करके और खाए। और दाल जब बनाए सेजन का पत्ती जब दाल में छोड़ना है एकदम एंड में छोड़े दाल जब आपका खोल जाए जब आप ऑफ कर देते हैं जब अपना गैस ऑफ कर दे तब पत्ती को डालें तब पत्ती ग्रीन रहेगा ठीक है। और जैसे जब खिचड़ी भी बनाते हैं ना खिचड़ी बनाते हैं तो जो भाजी छोड़ना है आपको केवल छोड़ना है बेले छोड़ना है उसको एंड में छोड़ें लास्ट वन मिनट और टू मिनट में तब आप देखेंगे वो जो भाजी एकदम ग्रीन रहेगा और आपका खिचड़ी एकदम स्वाद रहेगा। तो फ्राइड फूड सुपर फूड जाने क्या कैसे बढ़े शुगर अवॉइड करें और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप जरूर एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा एक्सरसाइज में आप लोगों से जो कराना चाहता हूँ और वो है हमारा हरे कृष्णा का प्रोसेस चैंटिंग फिस्टिंग एंड डांसिंग। तो थोड़ा बहुत आज हिलना ढोलना चाहिए एकादशी के दिन भगवान की ठीक है तो भी एंड में करेंगे। तो एक्सरसाइज कसरत बहुत जरूरी है और भगवान का हमारे स्वामी प्रभुपाद जी माला ले लेते थे और वो अपने जो कमरा में रहते थे अपने कमरे में भी उछलते थे अप एंड डाउन में। तो हमारा तो यहाँ इतना अच्छा अच्छा जगह है कोई पार्क में चल देते हैं कोई रास्ते में चल देते हैं कोई सही जगह चूज करके और बस भगवान का नाम का जाप करें और तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इफ़ यू कैन स्टार्ट योर डे विद एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दैट्स द बेस्ट स्टार्ट टू योर डे। तो प्रैक्टिस इट यू विल रियली एंजॉय इट। और भगवान का नाम का जाप प्रभु ने बताया ये जो नाम का जाप करते हैं ये हमको क्या 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 क्या, क्या हमको हेल्प करता है हमारा मेंटल हेल्थ ना मेंटल हेल्थ यानी हमारा माइंड को स्टेडी हमारा माइंड को स्थिर कर देता है। माइंड को कंट्रोल करने में हमको मन को मंत्र देना चाहिए मन अवतरा मन के मतलब माइंड अवतरा के मतलब जो फ्री तो मन को फ्री कर देता है अगर हम लोग मंत्र दे दें। और सबसे बड़ा मंत्र वो है जिसमें भगवान का नाम है तो हरे कृष्ण महामंत्र नारद मुनि ने दिया है कालिसंधरण उपनिषद में तो ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस मिलेगा ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ। और जो हमारा कोकोनट या देखिए सभी जगह कोकोनट है कोकोनट वाटर जरूर लें कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड 2 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे आपको लेना चाहिए और उसमें अगर 1 लीटर कोकोनट हो गया तो इट्स वेरी वेरी गुड। लोग जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं इवन बॉटल वाटर है तो बट उतना सेफ नहीं है वो जो प्लास्टिक में रहता है उतना दिन जो वाटर तो पानी प्लास्टिक से रिएक्शन होता है तो ये जो शीतल सा जल जो कोकोनट वाटर यहाँ मिलता है वो इज वेरी वेरी गुड वो आप ले। और घर पर होम गार्डन होना चाहिए और जो सुपरमार्केट का प्रोसेस फूड है जैसे बहुत वाइट राइस वाइट ब्रेड और वाइट फ्लावर ये बहुत हानिकारक है इससे हार्ट डिजीज होता है इसको कहा गया है प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स। सो अवॉइड प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स टेक कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचुरल फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचुरल फॉर्म क्या है जैसे कि आपका बेस्ट राइस फिजी भर में दुनिया भर में बेस्ट राइस है जो ब्राउन राइस लंबा वाला राइस ये आप ले सकते हैं। और जो रूट क्रॉप्स है कुमाला है आज एकादशी के दिन आपको मिलेगा कुमाला है इवन दालो है कसावा थोड़ा ज़्यादा स्टार्च है बट वंस इन अ वाइल इट्स ऑलराइट। और ऐसे करते और कभी कभी ऐसा भी ट्राई करें कि रात के केवल सूप खाकर आप आराम करें सो जाए रात को कुछ ज़्यादा मत खाएं। आपको हमारे गुरु हरे कृष्ण महाराज जी हैं वो उसका जो डिनर टाइम है अबाउट 5:30 वो ले लेते हैं डिनर से अबाउट 2 to 3 hours आपको समय देना चाहिए खाना पचने के तो आपको डिनर हेल्दी करना चाहिए और कम खाना चाहिए डिनर लंच और ब्रेकफास्ट ना ठीक से खाया करें।
लेकिन दीना में सैलड्स ले लेवे, सूप ले लेवे ना, एक 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 बाउल दाल है, मेक सम सैलड्स, इज रियली आइडियल। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जैसे व्हाइट राइस और रोटी दीना के लिए बहुत हेवी हो जाता है। एंड देन हम लोग क्या होता है, हम लोग को बहुत आलसी आ जाता है, फिर हम लोग को सुबह जागने को हमको तकलीफ होता है। अगर हम केवल रात को केवल सूप लेवे और सैलड्स लेवे, यू सी द डिफरेंस, एक दो केला ले लेवे, यू सी द डिफरेंस इज नेक्स्ट डे आपको अपो आप 4 बजे नहीं खुल जाएगा। सो ये दिस इज आई डू इट, आई नो, आई नो इट्स गुड एंड आई फॉलो दिस डाइट एंड आई रियली रियली एंजॉय इट एंड दिस डाइट एंड दिस लिविंग। सो जस्ट यू नो बिट ऑफ हेल्थ बाय फॉलो ठीक है। तो आप हमारे जो प्रसादम टीम है यहाँ पर प्रसाद का तैयारी कर दीजिए प्रभु जी, और जो बच्चे हैं और जो यंग डिवोटीज हैं आप सब राइज प्लीज, सब खड़े हो जाएं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नृत्य होना चाहिए, एकादशी के दिन भगवान के लिए कुछ हमको थोड़ा नाचना चाहिए और कीर्तन करेंगे हम लोग और थोड़ा डांस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद लेंगे ठीक है। प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गौर वैष्णविंद की जय, श्री गौनिताई भगवान की जय ठीक है। तो सब आ गया जाए, बच्चे सब आ गया जाए, जो बच्चे सब आ गया जाए बेटा बनने और Thank you.
Oh,
नाम संकीर्तन की रुद्रमहेश महामंत्र की श्रीला प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डांसिंग एंथुजियास्टिकली और होना चाहिए लेकिन समय का अभाव है। प्रभु जी और गाएंगे सारा कीर्तन करेंगे जब जब हम सब प्रसाद Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare बोलो हरि गोपाल बोलो बिंद बोलो हरि
Krishna, Krishna, Hare Hare.